नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और वक्त हो चुका है दिन भर के 20 बड़ी खबरों का। और बड़ी खबरों में पहले नंबर पर है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की सिंगापुर में पहले दौर की ऐतिहासिक शिखर वार्ता संपन्न हुई। सिंगापुर के सेंटोसा द्वीप के होटल कपेला में लगभग 50 मिनट तक चली इस वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए और उसके बाद ट्रंप ने साफ कहा कि जल्द ही उत्तर कोरिया में परमाणु निरस्त्रीकरण प्रक्रिया का काम शुरू हो जाएगा। वहीं किम जोंग उन ने कहा कि मैं बीते हुए कल को भूलने का वादा करता हूं। आपको बता दें कि ट्रंप और किम की मुलाकात भारतीय समय के अनुसार सुबह 6:30 बजे हुई थी। और बड़ी खबरों में दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश के सपा बसपा महागठबंधन के तर्ज पर महाराष्ट्र में बीजेपी को मात देने के लिए विपक्षी पार्टियां महागठबंधन बनाने जा रही है। इस बात की पुष्टि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार और महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौहान के बयान से होती है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव में शिकस्त देने के लिए चाहे हमें कम जनाधार वाली समाजवादी पार्टी हो या आरपीआई, सबके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। उधर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन पहले ही कह चुकी है कि वो बीजेपी विरोधी मोर्चा का हिस्सा बनेगी। और बड़ी खबरों में तीसरे नंबर पर है रिलायंस जियो रेवेन्यू मार्केट शेयर के हिसाब से आइडिया को पीछे छोड़ते हुए देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई है। इसके साथ ही जियो वोडाफोन के करीब भी पहुंचती दिख रही है। और आपको बता दूं कि इस लिस्ट में सबसे नंबर 1 एयरटेल है, जबकि दूसरे नंबर पर वोडाफोन है और अब तीसरे नंबर पर जियो ने अपना स्थान बना लिया है। और बड़ी खबरों में चौथे नंबर पर है बिहार में जदयू बीजेपी गठबंधन मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की गठबंधन सरकार के दृष्टिकोण में कोई अंतर नहीं हुआ है। हम सभी साथ मिलकर काम कर रहे हैं और मिलकर ही काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सीटों के बंटवारे के मामले में कहा कि कुछ लोग इस तरह की बयानबाजी करके पब्लिसिटी पाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया को भी जिम्मेदार बताया और कहा कि यहाँ लोग कुछ भी लिखकर डाल देते हैं जिसे बाद में तुल दे दिया जाता है। और बड़ी खबरों में पांचवें नंबर पर है कर्नाटक के नवनिर्वाचित सीएम कुमार स्वामी ने पार्टी विधायकों की नाराजगी पर कहा कि कांग्रेस ने दबाव देकर मुझे सीएम बनाया है, जबकि मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं सीएम बनूं। आपको बता दूं कि चुनाव के बाद से अब तक लगातार कर्नाटक की राजनीति में अस्थिरता की स्थिति बनी हुई दिख रही है। और बड़ी खबरों में छठे नंबर पर है सपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव द्वारा सरकारी बंगला खाली करने के समय किए गए बर्बादी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा जानकारी के अनुसार बंगले की साज सज्जा के लिए जो 42 करोड़ रुपए जारी किए गए थे उनमें से 41.1 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं मिल रहा है। इस बारे में राज्य संपत्ति अधिकारी योगेश कुमार शुक्ल का कहना है कि विभाग द्वारा किए गए हिसाब में सामने आया है कि इस बंगले पर केवल 89.99 लाख रुपए ही खर्च किए गए हैं, जबकि बंगले के डेकोरेशन के लिए 42 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। बाकी पैसे कहां गए इसका पता लगाया जा रहा है। और बड़ी खबरों में सातवें नंबर पर है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 13 जून को दिल्ली के ताज पैलेस में होने वाले इफ्तार पार्टी के लिए आमंत्रण पत्र भेज दिया है और उनके इस आमंत्रण को प्रणब मुखर्जी ने स्वीकार भी कर लिया है। आपको बता दें कि कल ऐसी खबर आ रही थी कि कांग्रेस ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने के कारण इफ्तार पार्टी में आमंत्रित नहीं किया है। और बड़ी खबरों में आठवें नंबर पर है राशन की डोर स्टेप डिलीवरी और सरकारी ऑफिसरों के हड़ताल मामले में दिल्ली के सीएम केजरीवाल और उनके मंत्री एलजी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हैं। केजरीवाल ने एलजी से राशन की डिलीवरी डोर स्टेप करने और हड़ताल कर रहे अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर यहां धरना पर बैठे हैं। वहीं एलजी बैजल का कहना है कि धरना मैन को धरना देने से कौन रोक सकता है। और बड़ी खबरों में नौवें नंबर पर है राजस्थान शिक्षा विभाग ने एक फरमान जारी करते हुए कहा है
कि महीने के हर तीसरे शनिवार को सभी छात्र स्कूल परिसर में ही संतों के प्रवचन सुना करेंगे। इस बारे में शिक्षा विभाग ने स्पष्ट करते हुए कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी सीख सकें। और बड़ी खबरों में दसवें नंबर पर है, शिवसेना ने राजीव गांधी की तरह पीएम मोदी के सुरक्षा मामले में कहा कि राज्य और राष्ट्र के चौकीदार की रक्षा होनी चाहिए, इसके लिए भले ही हमें गंभीर परिणाम झेलने पड़े, लेकिन हमें उनके रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। और बड़ी खबरों में ग्यारहवें नंबर पर है, चीन ने पिछले साल शंघाई सहयोग संगठन में शामिल हुए भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चल रहे मतभेदों के बारे में कहा कि चीन इस खाई को कम कर सकता है और चीन इसके लिए तत्पर भी है। इस बारे में चीन के विदेश मंत्री यांग वी ने कहा कि मुझे लगता है कि चूंकि वह SCO में शामिल हुए हैं, ऐसे में शायद हम उन्हें आपसी रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म और अवसर प्रदान कर सकते हैं। और बड़ी खबरों में बारहवें नंबर पर है, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज RSS मानहानि मामले में मुंबई के भिवंडी स्थित कोर्ट में पेश हुए, जहां कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी से कहा कि आपके बयान के कारण RSS की साख को नुकसान पहुंचा है, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? जिस पर राहुल गांधी के जवाब से कोर्ट सहमत नहीं हुआ और कोर्ट ने IPC धारा 499 और 500 के तहत आरोप तय करते हुए मुकदमा आगे चलाने का आदेश दिया। इस बारे में कोर्ट से बाहर आने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मेरे ऊपर केस करते हैं, करते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं किसी से नहीं डरता हूँ। और बड़ी खबरों में 13वें नंबर पर है, कर्नाटक के हुबली के किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल महानदी जल विवाद मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। यहां ये सभी प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात करेंगे। और बड़ी खबरों में 14वें नंबर पर है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अटल बिहारी वाजपेयी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा कि मैंने वाजपेयी जी के स्वास्थ्य पर दिल्ली के अधिकारियों से बात की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अटल जी के शीघ्र स्वस्थ होने और जल्द घर वापस लौटने की भगवान से प्रार्थना करूंगा। और बड़ी खबरों में 15वें नंबर पर है, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 3 तलाक के पीड़ित महिलाओं के लिए बुधवार को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। मुख्तार अब्बास नकवी के आवास 7 सफदरजंग रोड पर होने वाले इस इफ्तार पार्टी में 3 तलाक की पीड़ित महिलाएं और उनके परिजन शामिल होंगे। और बड़ी खबरों में 16वें नंबर पर है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के करीबी दीपक पचौरी ने मध्य प्रदेश बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, जिससे मध्य प्रदेश बीजेपी में खलबली मच गई है। आपको बता दें कि दीपक आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी से सहमत नहीं थे, जिस कारण दीपक पिछले कुछ समय से बीजेपी के खिलाफ काफी बयानबाजी कर रहे थे और इसी अनुशासनहीनता के कारण बीजेपी ने उन्हें पार्टी के सभी पदों और कार्यों से मुक्त कर दिया था। और बड़ी खबरों में 17वें नंबर पर है, PNB घोटाला मामले में RBI के गवर्नर उर्जित पटेल वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाले संसदीय स्थायी समिति के सामने पेश हुए, जहां स्थायी समिति ने उर्जित पटेल से नीरव मोदी, पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी, बैंक के बढ़ते बैड लोन और नोटबंदी के बाद बैंकों में वापस आए नोटों के आंकड़ों सहित कई मुद्दों पर सवाल पूछे। और बड़ी खबरों में 18वें नंबर पर है, उबर इंडिया ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। इसके साथ ही कंपनी ने बढ़ते चलो नाम से अपनी नई बेसलाइन को भी लॉन्च किया। इस बारे में उबर इंडिया के हेड ऑफ मार्केटिंग संजय गुप्ता ने कहा कि उबर को मैदान में ऐसा पार्टनर मिला है जो भारत में व्यक्तिगत प्रगति की प्रतिमा है। वहीं कोहली ने कहा कि मैं उस कंपनी का पार्टनर बना हूं जो शहरों एवं इसके नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। और बड़ी खबरों में 19वें नंबर पर है, संजय दत्त की बायोपिक संजू में उनकी माँ और दिग्गज अभिनेत्री नरगिस दत्त का किरदार निभा रही बॉलीवुड अदाकारा मनीषा कोइराला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चाहे मेरी निजी जिंदगी हो या मेरा कैरियर, मैं अब ऐसे समय में किसी तरह की कोई गलती करने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे दोबारा से मौका दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा
क्योंकि मेरी तकदीर में किसी पुरुष का प्यार नहीं लिखा है, इसलिए मैं रोमांटिक या प्यार का इंतजार नहीं कर रही हूँ। और बड़ी खबरों में 20वें नंबर पर है, फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर ने अपने प्रोडक्शन की मोस्ट अवेटेड फिल्म धड़क के स्टार जाह्नवी कपूर और शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर की तारीफ करते हुए कहा कि आज इस स्टेज पर नेपोटिज्म के सहारे नहीं बल्कि अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत पहुँचे हैं। ये थी आज दिन भर की 20 बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।